वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरी। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है चित्तौड़गढ़ को लेके। आज की जर्नी है, ये जर्नी होगी दिल्ली से चित्तौड़गढ़। मैं जस्ट अभी बस अड्डे पहुँच गया हूँ और राजस्थान की जो बसेस हैं वो पहले चलती थी धोला कुआँ से, बट अभी आई थिंक कुछ सिस्टम चेंज हुआ है तो ये बस जो है ये बस अब चलनी शुरू हो गई है 30,000 से। तो अभी उतरा हूँ, थोड़ा वॉक कर रहा हूँ और देखता हूँ बस कहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये मैंने जस्ट अभी कंफर्म किया है, खन्ना मार्केट जो है वो यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर है। तो अभी टाइम है आई थिंक मेरे पास अभी कुछ 8:15 होने और बस मेरी है 9 बजे की। तो अभी चलते हैं सीधा खन्ना मार्केट, वॉक करेंगे क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऑटो रिक्शा करने के लिए, और बहुत दूर नहीं है स्टेशन मेट्रो के आसपास ही है कहीं पर। तो अभी चलेंगे स्ट्रेट खन्ना मार्केट और उसके बाद देखता हूँ कि बस कहाँ से निकलेगी और बस का पहुँच गया यार। ये बस है, मेरी बस खड़ी हुई है ऋषभ ड्राइवर्स की। बस मतलब ठीक ठाक सी है, कोई बहुत वाव वाली फीलिंग नहीं है बस के अंदर। और टिकट इसकी इसने मेरे से चार्ज किया 1500 रुपया, जो कि आई डोंट थिंक जो कि वर्थ है, तो ये कुछ खास नहीं है बस के अंदर। वैसे ऐसी बस है, बाकी एसी बस है, बाकी देखिए गर्मी कैसी रहती है। एक बार अंदर बहुत बार दिखाऊंगा आपको कि अंदर से बस कैसी है कैसी नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम है यार बस चलने में, तो थोड़ा सा भूख लगी है, कुछ देखता हूँ खाने के लिए। अभी पानी की एक बोतल भी मुझे लेनी है क्योंकि मुझे पता नहीं कि बस में ये लोग पानी सारे देंगे या नहीं देंगे। तो पानी की बोतल लेता हूँ एक और थोड़ा कुछ खाने को देखता हूँ कि खाने कुछ अगर है तो। थोड़ा वैसे एरिया तो ये ऐसा सही है, पता नहीं यार खाने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं सुबह जो है यहाँ पे टाइम से पहुँच गया था। तो बस की जर्नी थी वो ठीक रही मेरी, तकरीबन 9 घंटे लिए बस ने मुझे यहाँ चित्तौड़गढ़ पहुँचाने में, और बस भी ठीक थी। बट यहाँ पे सुबह आया तो सुबह यार यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी कि मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाए। मैं सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, होटल में अंदर गया हूँ, चेक इन किया है और सो गया। तो अब जस्ट मेरी आँख खुली है, 1/2 घंटा पहले तो उठ के भी थोड़ा कुछ चाय वाय पिए, और अभी प्लान कर रहे हैं कि अब जाएंगे फोर्ट, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर आया था। और ये जो पीछे अगर आपको दिख रहा होगा मेरे, तो उस वो सारा एरिया जो है वो पूरा फोर्ट है,
और इस फोर्ट का जो लेंथ है, जो इसका एरिया है, ये 7 किलोमीटर फोर्ट है पूरा, मतलब जो बना हुआ है। और इसके अंदर आपका गांव भी है और कुछ छोटे मोटे एक रेस्टोरेंट बार भी है, तो वहां भी जाएंगे और देखते हैं कि वहां पर क्या है। बाकी मतलब मैं ये रेकमेंड करूंगा, मेरे से गलती हो गई है, कि यहां पर एज सच कुछ है नहीं, सिर्फ इस किले के अलावा। और जो एक लेक थी वो लेक सूखी पड़ी है, वहाँ पर पानी ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो स्पेसिफिकली तो मत आना, क्योंकि ये जगह उदयपुर से पड़ती है तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पे। तो अगर आप उदयपुर प्लान कर रहे हो तो एक कुछ घंटे निकाल के बीच में यहाँ पे आ सकते हो, और सामने जो फोर्ट है वो अपना देख के बैक टू उदयपुर। क्योंकि यार यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा खास, मतलब मुझे खुद लग रहा है कि मैंने अपना एक दिन यहाँ पे वेस्ट किया है, और मतलब कुछ है नहीं। सिटी बहुत ज़्यादा शांत है, अभी आपको लग रहा होगा देखो कोई यहाँ पे कुछ नहीं है शोर शराबा, पीछे अभी जस्ट सनसेट होकर हटा है, वो थोड़ा सुंदर था, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब वाव वाली फीलिंग नहीं है जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि चित्तौड़गढ़ में ऐसा कुछ मिलेगा कि जो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, अभी प्लान है कि वहाँ जाएंगे। तो टाइमिंग्स जो हैं अपना इस फोर्ट की, वो टाइमिंग है सुबह 9 to 10 तक ही है, 10 PM तक खुला होगा। तो जस्ट अभी निकलेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा रहता है। और अंदर कुछ गांव वाँव भी हैं फोर्ट के अंदर ही, एक मंदिर है, तो जितना भी कवर होगा वो देखते हैं, वरना फिर बाकी एक बार सुबह चक्कर आके मारूंगा, सुबह चक्कर यहाँ पे देखता हूँ सुबह कैसा लगता है। तो यही है फिलहाल। बाकी अगर यहाँ पे आने का प्लान कर रही हो तो स्पेसिफिकली दिन मत निकालना अपना, अगर आपका पूरा दिन वेस्ट होगा। यहाँ कुछ नहीं है, एक छोटा सा सामने मॉल है पद्मावत के नाम से, और जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ ये यहाँ का वन ऑफ द गुड होटल है, जिसका नाम है चित्तौड़ प्राइड करके। 2000 रुपये का रूम मिला है हम लोगों को यहाँ पे, रूम कैसा वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो ठीक है, मतलब यार अब आए हैं तो देखते हैं कुछ ना कुछ निकालेंगे क्या करना है अभी। ये जो अभी आपने मेरे पीछे देखा ये जैन मंदिर है, बट अभी थोड़ा लेट हो गए हैं तो जस्ट अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा मंदिर है, मतलब यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है, और जिस हिसाब से बना रखा है वो काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल है। तो फ़िलहाल तो ये बंद हो गया क्योंकि रात होगी यहाँ पहुँचते, तो बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या खुला है फिर। यार रात काफ़ी हो गई थी तो ज़्यादा हम लोग घूम नहीं पाए। तो ये जो मंदिर है जैन मंदिर है, काफ़ी सही मंदिर है, मतलब
जिस हिसाब से बना रखे हैं, जिसका आर्किटेक्चर है मतलब काफ़ी सुंदर है। और अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट है अंगीठी नाम है ना इसका, अंगीठी करके, काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट है। इसके प्राइस काफ़ी सही है, लोकेशन काफ़ी मस्त है इसकी। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था पूरा वीडियो के अंदर, अंगीठी नाम है इसका। तो अगर मतलब क्या नाम है इसका, चित्तौड़गढ़ अगर आते हो तो काफ़ी सही जगह है मतलब बैठने के लिए। व्यू यहाँ से काफ़ी सही है, मैं दिखाता हूँ भी आपको व्यू जरा खाना खाने के बाद। तो यार खाना तो हम लोगों ने खा लिया, और खाना हो गया। अब तो खाना था भी काफ़ी बढ़िया, और रेट काफ़ी सही थी इस रेस्टोरेंट के। और अभी आई थिंक कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, और हम लोग जरा बिल्कुल पैदल गलियों में निकल के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। गुप्त अंधेरा है, अरे कुछ नहीं, ये सीढ़ी आ गई बस यहाँ नीचे उतर के बिल्कुल। तो चल रहे हैं भाई, अभी बस ऐसे ही नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ी आ गई हैं। बाकी अगर कभी चित्तौड़गढ़ आओ तो ये काफ़ी बढ़िया था रेस्टोरेंट, नहीं थी खाना वाना सब काफ़ी सही था, और रेट भी अच्छा यार। और हाँ मतलब काफ़ी तो ये, और ये रास्ते वस्ते जैसे निकल रहे हैं, हाँ ये नहीं मिलेगा, ये सब लोग उतर रहे हैं सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर लेके गए थे। हाँ ये आ गए, बढ़िया है यार एकदम बिल्कुल। मतलब हम लोग घूम फिर कर आए हैं गलियों के अंदर से, और बढ़िया है एकदम, बहुत मज़ेदार रास्ता था। हालांकि थोड़ी सी फटी हमारी बीच में, जो कि अंधेरा काफ़ी था, इवन अभी भी काफ़ी अंधेरा, आपको शक्ल शायद नहीं दिखाई दे नहीं रही होगी, पर ठीक है मज़ा आया। उतर गए भाई नीचे, अब जरा एक जगह है बड़ी सही सी, तो वो जरा देखने के लिए आया कि क्या है उसके ऊपर, ये ऐसा कुछ बना हुआ है पीछे, मंदिर आई थी। और यहाँ से दिखेगा पूरा हमें शहर ऊपर का, तो अभी कुछ जा रहे हैं भाई, क्या सही व्यू है यहाँ से। ये सारा व्यू है यार पीछे शहर का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये जो एरिया, ये सारा एरिया जो है, ये किले का ही पार्ट है, और ये पीछे पूरी सिटी है सारी, चित्तौड़गढ़ सिटी। तो इस टाइम रात को काफ़ी सुंदर लग रही है ये जगह, काफ़ी यार अमेजिंग है। मतलब किले पे जब हम लोगों ने एंट्री करी है तो काफ़ी बड़ा भी है किला, और मतलब 7 किलोमीटर मैंने बोला पहले वीडियो में, बट 60 किलोमीटर है नहीं, इसका पूरा जो एरिया है वो है 12 किलोमीटर। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि ये जो किला है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा किला है, यहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा किला है और काफ़ी सुंदर भी है। अभी लोगों से मिले यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लोकल लोग जो हैं गाँव के, काफ़ी वेलकमिंग है, काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आओ चित्तौड़गढ़ तो ये वाला एरिया, ये किला बिल्कुल मिस मत करना, और काफ़ी बड़ा है। मतलब इस पूरे प्रमाइसिस के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे महल हैं, ऐसे पैलेसेस हैं जो आप देख सकते हो, जैसे रतन जी का महल जो है, जो यहाँ के राजा थे, पद्मावती का महल है, जो भी मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको बिकॉज रात हो गई है, वो हो गया बंद। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल सुबह वहाँ पर जाऊँ अर्ली मॉर्निंग, और फिर मैं आपको वो वीडियो में दिखाऊँ। बट अभी फ़िलहाल हवा काफ़ी बढ़िया चल रही है, मौसम काफ़ी सही है, और पीछे सिटी का व्यू तो अमेजिंग है, अमेजिंग। जो हम लोगों ने कर लिया, हम ऊपर से नीचे आ गए, ये टुक टुक पकड़ के अपना, बढ़िया था।